हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं भाई साहब? ठीक हैं, बढ़िया हैं। आप लोग कैसे हो? फिट एंड फाट। फिट एंड फाट, फिट मैं फाट ही हो रही है। फिट मैं हो रहा हूँ, फाट ये हो रही है। ये फटम फाट है। अच्छा, आज का वीडियो क्या है हमारे पास? टॉप हाइलाइट्स ऑफ पीएम मोदी स्पीच ऑफ कुदूस बैंक अरीना इन कुदूस बैंक। कुदूस में कुदूस बैंक कुदूस कुदूस कुडोस बैंक है, अरीना इन सिडनी ऑस्ट्रेलिया का है। हाँ जी, ये ऑस्ट्रेलिया में है अरीना इन सिडनी। हाँ जी, कदूस की चाचे कदूस दा दसी जान नहीं है। अच्छा तू क्या है ना, देखें फिर लगाएं फिर आगी अब फिर की क्यों घूम रही है। ऑस्ट्रेलिया में बहुत इंडियन बैठा है ना। प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द बॉस। कॉल की थी ऑस्ट्रेलिया ने भी। नमस्ते ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, ऐसे नहीं लग रहा जैसे WWF का या WWE उसका कोई स्टेटस और मैच होने लगा है ना। चैंपियन ट्रॉफी में लगी। फुलफिलिंग प्रॉमिसेस। मैं जब 2014 में आया था तो आपसे एक वादा किया था। वादा ये था कि आपको फिर भारत के किसी प्रधानमंत्री का 28 साल तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हाय हाय हाय। अच्छा एक चीज नोट करें, काफी मेजोरिटी मुस्लिम्स की बैठी है यहाँ सिडनी में। इस एना में मैं फिर हाजिर हूं। साथियों, एक समय था जब कहा जाता था कि भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंधों को 3C डिफाइन करते हैं। ऐसा पहले कहा जाता था कि कौन से 3C हैं? कॉमनवेल्थ, क्रिकेट और करी। इसके बाद कहा गया कि भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंध 3D पर आधारित है, डेमोक्रेसी, डायस्पोरा और दोस्ती। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंध 3E पर आधारित है, एनर्जी, इकोनॉमी और एजुकेशन। यानी कभी सी, कभी डी, कभी ई। अलग अलग कालखंड में ये बात संभवतः सही भी रही है, लेकिन भारत और ऑस्ट्रेलिया के ऐतिहासिक संबंधों का विस्तार इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। और जानते हैं, इन सारे संबंधों का सबसे बड़ा आधार क्या है? जानते हैं? जी नहीं, मैं भी खूब भाई। सबसे बड़ा आधार है म्यूचुअल ट्रस्ट और म्यूचुअल रिस्पेक्ट। वैसे मैंने सुना है कि हैरिस पार्क में चटका की चाट
जयपुर स्वीट्स की जलेबी, उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप लोग कभी मेरे मित्र पीएम एल्बनीज़ी को भी वहां जरूर ले जाइएगा। पिछले साल जब महान शेन वॉन का निधन हुआ तो ऑस्ट्रेलिया के साथ कोटि कोटि भारतीयों ने भी शोक मनाया। यह ऐसा था जैसे हमने अपना कोई खो दिया है। यूनिवर्सल पब्लिक इंटरफेस यानी यूपीआई ने भारत में फाइनेंशियल इंक्लूजन को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। आज दुनिया के 40% रियल टाइम डिजिटल पेमेंट्स अकेले भारत में होते हैं। आप अभी अभी भारत आए होंगे तो देखा होगा, आज फल सब्जी या पानीपुरी के ठेले हो या फिर चाय की दुकान, सब जगह डिजिटल ट्रांजैक्शन हो रहा है। हमने देखा भी था। मैं मेरी बात समाप्त करने से पहले आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। देंगे? मांगिए मांगिए। आवाज जरा धीमी हो गई। देने की बात आई तो है। देंगे? पक्का? प्रॉमिस? मैं आपसे ये मांग रहा हूं और आपसे आग्रह करूंगा कि आप जब भी भारत आए, अपने साथ कोई न कोई ऑस्ट्रेलियाई मित्र और उनके परिवार को भी साथ लेकर के आए। इससे उन्हें भारत को समझने का, जानने का और ज्यादा बेहतर मौका मिलेगा। आप इतनी बड़ी तादाद में आए, लंबे अरसे के बाद आपको मिलने का मौका मिला। आप सब बहुत स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, आनंद से रहिए। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, क्राउड का एक जोश देखा है ना। अच्छा, एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि देखिए वो आए, उन्होंने स्पीच की है, उन्होंने कोई वो मतलब तैयारी नहीं की, कुछ नहीं किया, वो मतलब जो उनके दिल में था वो बोल। हाँ, मतलब जो आपके दिल में होता है। अब सारे नवाज शरीफ जैसे थोड़ी होते हैं। पर्ची प्रोग्राम नहीं है ना। पर्चियां रख दो आगे। और पर्ची देख के भी, वो मैं नवाज शरीफ का एक वीडियो देख रहा था, उसके सामने पर्ची रखी हुई है और वो पर्ची से पढ़ रहे हैं और वो भी भूल रहे हैं, वो भी सही नहीं पढ़ रहे हैं। साथ शबाज शरीफ बैठा बता रहा है, नहीं भाई ऐसे नहीं, ऐसे है। वो इमला का थोड़ा फर्क है ना। हाँ, इमला नहीं आता वो असल में, वो उस टाइम के पढ़े हुए हैं ना, जब वो अली फनार पे बकरी पे पखरा दे तकरी वाला वो होता था, तो वो उधर ही फंसे हुए हैं अभी, उससे आगे निकले नहीं है। तो किसी को आने दें तो कोई आगे आए ना। अभी देखें कि एज एक्सपेक्टेड जैसे कि था, रिजल्ट्स की अगर बात करें इलेक्शन पाकिस्तान में, तो जो सब कह रहे थे वैसा ही भाई, जो पीटीआई और इमरान खान जो है वो लीड कर रहा था, नवाज शरीफ की सीट ही नहीं थी कहीं भी, और ऐसे ऐसे वोट पड़े हैं, ऐसे ऐसे अभी तक रिजल्ट पेंडिंग भी है, स्टिल ऑन पेंडिंग, चौथा दिन है और अभी वो प्लान नहीं बन रहा। 72 घंटों बाद मेरा ख्याल है कि ऐलान कर देते थे। 72 घंटों बाद भाई, उसी टाइम रात 2 बजे का टाइम है, 2-3 बजे पता चल जाता था इलेक्शन हो गया। इलेक्शन कमीशन का के 6 बजे पोलिंग खत्म होती है, तो रात 2 बजे तक उन्होंने अनाउंस करना होता है रिजल्ट।
रात दो से ऊपर चला गया तो समझ लो काम ठप्पे शुरू हो गए हैं, फिर काम ऊपर है वोट इतने ठप्पे हाँ, लगाने में क्योंकि मतलब अच्छा बाकी चले छोड़े उसको और इस पे वापस आते हैं। अभी हम पीएम मोदी की जो स्पीच हमने सुनी है तो एक क्राउड स्पेशली माइंड ब्लोइंग और आउटस्टैंडिंग, और वहां पर पीएम मोदी ने जो स्पीच की है बहुत ही बढ़िया। अच्छा लोग काफी एक्साइटेड थे और हमने देखा कि तकरीबन सभी कैटेगरी के लोग बैठे थे वहां पे, उसमें ऑस्ट्रेलियंस भी थे, इंडियंस भी थे, और रिलीजियंस को अगर देखें तो सभी रिलीजन के लोग भी नजर आ रहे थे। जो भी अपने साथ आए एक ऑस्ट्रेलियन भाई को साथ लेके आए ताकि उनको भी पता लगे ना इंडिया के बारे में। चलें गाइस ये था आज का वीडियो, वी विल बैक टुमारो विद अ न्यू लेटेस्ट वीडियो। सो फॉर नाउ गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।